बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं आज आपको 14 साल की बच्ची की फ़्रॉक बना कर दिखाऊँगी। ये मैंने डबल पीस किया हुआ है। इसकी लंबाई मैंने रखनी है 41 इंच। अजाफी कपड़ा उतार देना है। ये निशान मैं 8 इंच पे लगाऊंगी, कमर का निशान 9 इंच पे, कंधे का 8 इंच पे लगाया, इधर भी 8 इंच पे लगा के निशान, फिर कमर का निशान लगा लूँगी। दोनों साइड पे इसी तरह से निशान लगा लेने हैं। फिर सीधी लाइन ड्रा कर लेनी है। ऐसे तिरछी लाइन ड्रा कर लेनी है। इस तरह से तिरछी लाइन लगा लेनी है। कपड़ा भी ज़ाया नहीं होगा और बाजू भी साथ ही निकल आएंगे और खुली फ्रॉक भी तैयार हो जाएगी। ये निशान मैंने 8 इंच पे लगाया। इस पर सीधी लाइन ड्रा कर लेनी है और इन निशानों पे ही कटाई कर लेनी है। ये 6.5 इंच पे मैंने लाइन ड्रा की है। इस पर कटाई करूँगी। बाजू की फ्रंट साइड 6.5 इंच रखनी है। ये एक बैक साइड है और एक फ्रंट साइड। बैक साइड पे भी सिलाई लगा लेंगे। अजाफी कपड़ा बाजू का उतार लूँगी मैं। बाजू की लंबाई ज़्यादा है। गला 3 इंच चौड़ा, 4 इंच लंबा, अब इसकी गुलाई में कटाई कर देनी है। बैक साइड पे सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से सिलाई मैंने लगा ली है बैक साइड पे। अब बाजू के ऊपर सिलाई लगा लूँगी दोनों साइडों पे।
जी मैंने सिलाई लगा ली है ऊपर भी। अब ये निशान लगा रही हूँ मैं लस्कर डालने के लिए, 11 इंच पे ये निशान लगाए हैं साइडों में से, 3-3 इंच छोड़ के साइडों पे कपड़ा, तो ये निशान लगाए हैं। इसके दरमियान लस्कर डालनी है, बैक साइड पे भी इसी तरह से निशान लगा लेना है। इसकी लंबाई रखी है मैंने 6 इंच, अभी दोनों पीसों को मैंने अटैच करना है फ्रॉक पे। बैक साइड पे भी मैंने ये लाइन ड्रा कर ली है। अब मैं फ्रंट साइड पे लगा कर दिखाती हूँ आपको। पहले ये सिलाई लगा लेनी है एक साइड पे, इसी तरह से दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा लेनी है, फिर चुंडी डालनी है। अब खींच के चुंटी लाल डाल लेनी है बराबर। लस्कर मैंने डाल ली है, अब मैं इस पे गले पे कपड़ा अटैच कर लूँगी। जी मैंने कपड़ा लिया 2 इंच चौड़ा और लंबाई गले के मुताबिक रखनी है। पहले इस पे सिलाई लगा लूँगी। अब इसे कमीज पे अटैच कर देना।
वेजिटेबल सिलाई कर लेनी है। फिटिंग की सिलाई भी मैंने लगा लिया और घेरे की सिलाई भी लगा ली। अब इस पर लेस अटैच कर लूँगी। फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है। ये मैं फ्रॉक पे जो लेस अटैच की थी उसी में से छोटे छोटे पीस निकाल के मैंने लास्ट कट पे भी अटैच कर दिए हैं। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।